अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल की नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है मसाले वाला गोश्त, और इसकी तरकीब क्या होगी, किस तरह तैयार होगा, ये जानते हैं मम्मा जी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई। बिस्मिल्लाह रहमान, ये मैंने एक लहसुन का गट्ठा डाल दिया, दो बड़े बड़े प्याज डाल दिए, एक तीन टमाटर डाले मैंने, एक मिर्च का चम्मच डाला, पौना चम्मच हल्दी का, ठीक है, नमक, ये ना अब मैं पकने रख दूँगी आँच पे, ठीक है, हिला के, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तमाम तर चीज़ें के अंदर शामिल कर दी हैं, अब इसको हम लोग पानी डाल के पकने के लिए रखेंगे। हाँ जी, पानी है इसमें थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने पानी शामिल करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, एक उबाला दिलाना है और उसको पकने के लिए रख देना है। तो व्यूअर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो सा हम लोगों ने गोश्त को रखा था पकने के लिए, इसको उबाला आ गया। अब उबाला आने के बाद हम इसको ढक कर पकने के लिए रख देते हैं ताकि जो सा वो गोश्त अच्छे से गल जाए, और फिर हम आपके सामने जो सी है हमारे मसाले वाले गोश्त की रेसिपी उसको तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है, देखना मज़ेदार से जो से मसाले वाले गोश्त की रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करें वो कैसे तैयार हो। अब हम लोग देखते हैं कि जो गोश्त हम लोगों ने पकने के लिए रखा था वो तैयार हो गया है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त जो सा पक रहा है, खुशबू भी अच्छी आई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है और पानी भी है गोश्त में। तो क्योंकि आज हम कौन सा है वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं भुने गोश्त की और मसाले वाले गोश्त की, तो मसालेदार गोश्त के लिए मसाला होना जरूरी, लेकिन अभी मसाला तैयार नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा पानी है और गोश्त में भी कसर है। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, गोश्त को मज़ीद पकाते हैं और पानी को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद कौन सा है इसका मसाला तैयार करेंगे और जो हमारे मसाले वाले गोश्त की रेसिपी है उसको हम आपके सामने जो है वो फाइनल कर लेंगे। लेकिन अभी करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये पानी बिल्कुल सूख रहा है, तो अब हम ना भूनते हैं इसे गोश्त को, तो फिर घी डालते हैं। मतलब पहले आप वैसे भुनाई करेंगे उसके बाद घी शामिल करेंगे, बस घी डालकर पानी सूख रहा है ना, ठीक है, तो साथ ही मतलब कर देते हैं। तो गोश्त जो सा वो गल गया। हाँ जी, गोश्त गल गया, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो सा वो गल गया, लेकिन पानी अभी है और पानी को भी हम लोगों ने जो सा रिड्यूस करना है। ये ना मैं ना दाल जीरा हाफ टेबल स्पून, व्यूअर्स हम लोगों ने जो सा वो जीरा, इस स्टेज पे जब गोश्त आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो गया, पक गया है, लेकिन इसको भी भूनना बाकी है, उस दौरान आप लोगों ने जो सा है वो जीरा के अंदर शामिल कर देना है। मसाले ठीक हैं, जो मैंने डाले थे ना वो ही सही हो जाने मसाले, अब थोड़ा सा ये पानी खुश्क हो जाए घी डाल के ना, फिर भून लेते हैं बस। तो बस बहुत ही इजी रेसिपी है ये, जो सा हम मसालेदार गोश्त आपको सिखा रहे हैं, बहुत इजी है। अगर मोमोज के अंदर अगर कोई और चीज़ लाइक मतलब कोई तेज़ पत्ता या मतलब दालचीनी साबुत कोई डाल नहीं, सकते बेटा, वो दूसरा मतलब बन जाएगा, मैं वो भी बना के दिखाऊंगी वो। हाँ, वो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि मतलब वो इसमें ऐड हो सकता है कि नहीं। जैसल चबूतरी वाला, हाँ एग्जैक्टली वही वाला, वो दही वाला ना, वो प्याजों वाला, वो भी मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो मतलब कुछ उस हद तक मिलता जुलता था, तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब वो आप मतलब इसमें ऐड करोगे या नहीं, तो वो सेपरेट से मतलब हम लोग आपसे इसको वीडियो को शेयर करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, बस ये पानी खुश्क हो जाए, बस खुश्क होने का इंतज़ार है कि डाल के बस भून लेना। हाँ जी, ये मैंने घी डाल दिया, कुकिंग में हम लोगों ने शामिल किया है, आप लोग मतलब डालडा या व्हाटएवर जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। मम्मा, इसके बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। हाँ जी बेटा, ठीक है व्यूअर्स, तो मतलब ये फाइनल अभी है, भून रहे हैं और अभी हम लोगों ने इसको अभी 5-6 मिनट भूनेंगे ना अच्छी तरह, स्मेल वगैरह जो गोश्त की होती है ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई, तो डेफिनेटली जब हम इसको भून लेंगे तो उसके बाद जो सा टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा, और ये खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, ये माशाल्लाह अभी भूनना जा रहा है, और दो तीन मिनट भूनते हैं। तो ये मैं ना धनिया हरी मिर्च भी डाल दिए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े चटोरे हैं, ये ना खाना मतलब अच्छा पसंद करते हैं, ये अच्छी सालन हो। पहले इनके पापा को इतना नहीं था पता, जब से ये मैंने घर का काम संभाला ना, तो अब तो वो भी बहुत चटोरे हो गए, नमक ना हो मिर्च ना हो तो बोलने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों ने कहा हल्का खाना है, तो फिर वो बोलते हैं ज़्यादा नहीं डाला ये वो। तो हाँ जी, पहले भाभी उनकी पका के देती थी ना खाना, जो पकाती थी ना चुप कर खा लेती थी।
अब मेरी मामा इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो बिजनेस कुकिंग विद नाज़नीन की जो सी रेसिपीज आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप लोग भी मजे मजे के खाने बनाएं और अपने हस्बैंड का जो सा है वो दिल जीत ले, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो पेट से रास्ता होता है आदमी के दिल का रास्ता। चलो देख लेंगे दिल का रास्ता कैसे जाता है। तो अब ये होता है ना कि ये नहीं पकाया वो नहीं पकाया, बच्चे भी मियाँ जी भी फरमाइश करते रहते हैं, मैं तो बस ना चुप ही कर जाती हूँ और अच्छा खाना बना लेती हूँ। हाँ जो फरमाइश होती है, तो मैंने थोड़े दिन पहले भिंडियाँ पकाई तो बच्चों ने कहा कि भिंडी क्यों पकाई, ये हमने नहीं खानी, भाई ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, पता नहीं बच्चों की भी बस आते ना खराब, मैंने ही किया खुद ही। जब इतने मज़े मज़े के खाने बनाएंगी आप, देखने वाले व्यूवर्स जितना आपको पसंद करते हैं अप्रिशिएट करते हैं मज़े मज़े के खाने, उनके मुँह में पानी आता है तो फिर हम तो घर के लोग हैं, हमें तो फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने का मौका मिलता है तो फिर क्यों ना होंगी इस तरह की रिक्वेस्टें डिमांडें और तरीफें और बातें। तो मामा अभी फाइनल हो गया, ठीक भी हो गया मसाला, आप लोग ठीक है व्यूवर्स इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स अब मामा ने इसको कर लिया है डिश आउट और ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज हमने मसाले वाले कोश की रेसिपी शेयर की है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।